भारत अभी इस मंथ ऑफ अगस्त में कहीं ना कहीं सेकेंड वेव एंड हो चुकी है और थर्ड वेव आने में अभी समय है, तो भारत के लिए ये महीना बहुत ही इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये मंथ हमारा फेस्टिवल मंथ भी होता है। अभी बकरीद का फेस्टिवल जो है ख़त्म हुआ है, रक्षाबंधन आने वाली है, 15 अगस्त आने वाला है, श्री कृष्ण जन्माष्टमी है, बहुत सारे फेस्टिवल हैं जहाँ पे लोग बहुत गैदर होंगे और हो सकता है उस टाइम वो पालन ना करें। और यही एक महीना है जब हमें अपनी पॉपुलेशन को ज़्यादा से ज़्यादा वैक्सीनेट करना है। लगभग हम 50 लाख पर डे लोगों को वैक्सीन्स दे रहे हैं और हमारा लगभग 50 करोड़ से ज़्यादा की आबादी भारत की जो है वैक्सीनेट हो चुकी है। कोविड से जितना हमने अपने एक्सपीरियंस से सीखा है, अभी लड़ने के लिए सबसे बेस्ट जो चीज़ है वो प्रिवेंशन है। प्रिवेंशन में दो चीज़ें आती हैं, एक वैक्सीन, दूसरा सोशल डिस्टेंसिंग, हैंड हाइजीन और मास्क, 2 गज की दूरी है जरूरी। हम इस जो ये फेस्टिवल मंथ्स हैं इसमें सारी सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हैं, मास्क लगाते हैं, गैदरिंग को अवॉइड करते हैं, तो कहीं ना कहीं हम थर्ड वेव को रोक सकते हैं। और अगर इस एक महीने में हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को वैक्सीनेट कर लेते हैं तो कहीं ना कहीं हम आने वाले अगले महीने से को हम प्रिवेंट कर सकते हैं कि हमारे यहाँ पे जो केसेज हों वो कम बढ़े। हमने पहले भी देखा है कि लॉकडाउन काफ़ी इफेक्टिव रहता है, जो मूवमेंट्स होती है लोगों की वो अगर रेस्ट्रिक्टेड हो जाती है तो ये बीमारी कहीं ना कहीं अपने आप में ही ऑटोकट हो जाती है क्योंकि इसका वायरस को स्प्रेड होने के लिए जगह नहीं मिलती है। ये मेरा पर्सनल मानना है कि बच्चों में ये वेव जो है ज़्यादा इफेक्टिव नहीं रहेगी। इसका कारण ये है क्योंकि हमने फर्स्ट वेव में भी देखा और सेकंड वेव में भी देखा, जिस फैमिली में कोविड हुआ कि किसी के बुजुर्ग को हुआ या अडल्ट्स को हुआ और वहाँ पे बच्चों को नहीं हुआ, तो उनमें मुंबई में एक सीरो सर्वे हुआ है जिसमें पाया गया है कि उन बच्चों के हमने ब्लड सैंपल्स लिए और टेस्ट किया जिसमें पाया गया लगभग 66% बच्चों को जो है एंटीबॉडी डेवलप हो चुके हैं। तो मतलब उनको कोविड हुआ जब उनकी फैमिली में हुआ और वो ये सिम्टोमेटिक रहे और अब इम्यूनिटी उनके अंदर है। और हमने भी जितने बच्चे हमारे पास कोविड पॉजिटिव आए उनमें देखा तो बहुत ही माइल्ड फॉर्म में बच्चों में होता है। बच्चों की इम्यूनिटी बहुत ही अच्छी होती है, तो हमें और पूरे भारतवर्ष को घबराने की ज़रूरत नहीं है। अगर थर्ड वेव आएगी तो बच्चों को लेके पैनिक ना हो। प्रेग्नेंट लेडी और लैक्टेटिंग मदर के लिए अभी तक वैक्सीन्स के ट्रायल चल रहे हैं बट अभी तक उनको दिया नहीं गया है क्योंकि अभी तक हमारे पास प्रेग्नेंट लेडी में देने के लिए सेफ्टी डेटा नहीं है। तो मैं ऐसे परिवारों से स्पेशल हाथ जोड़कर विनती करना चाहूँगा जिनके घर में कोई भी प्रेग्नेंट लेडी है या लैक्टेटिंग मदर है, उन परिवारों को ज़्यादा सावधानी बरतने की आवश्यकता है क्योंकि हम उनको वैक्सीन नहीं दे सकते हैं। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ प्रेग्नेंट लेडी को बाहर ना जाने दिया जाए या उन पे रेस्ट्रिक्शंस लगा के आप इसको रोक सकते हैं। कोई भी अदर फैमिली मेंबर भी अगर कैजुअल है और वो बाहर जाता है, मास्क नहीं लगाता है, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं करता है, हैंड हाइजीन का ध्यान नहीं रखता है, तो वो भी वायरस को घर में लेके आ सकता है। वो खुद पे वैक्सीनेटेड होगा और जो फीमेल से अगर वो वैक्सीनेटेड नहीं होगी तो उनमें फैलने का, स्प्रेड होने का खतरा रहता है। हमें अभी भी बहुत सारे कॉल आते हैं कि मुझे पुरानी बीमारी है, मुझे लंग की बीमारी है या हार्ट की बीमारी है, क्या मैं इस वैक्सीन्स को लूँ या ये मेरे लिए सेफ होगी कि नहीं होगी। मैं आपके माध्यम से बताना चाहूँगा कि वैक्सीन पूरी तरीके से सेफ है। जब भी सेफ है, जब भी ये भारत में आई थी सबसे पहले ये हेल्थ केयर वर्कर्स को दी गई थी। हम सब डॉक्टर्स, पैरामेडिक्स और वार्ड बॉय, हाउसकीपिंग ने इस सबको लिया, उसके बाद बाकी लोगों को दी गई। 50 करोड़ लोगों का सेफ्टी डेटा अब हमारे पास है। हमने देखा है कोई भी मेजर इवेंट नहीं हुआ है, कोई भी अनएक्सपेक्टेड डेथ्स हमें ऐसी कोई रिपोर्टेड अभी तक नहीं मिली है, तो इससे घबराने की ज़रूरत नहीं है। वैक्सीन बहुत ही ज़्यादा सेफ है और यही एकमात्र उपाय है इस बीमारी से लड़ने के लिए।